तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तारुफ आपका करा दूं। थोड़ी देर में सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी की तरफ से जुड़ेंगे अपना पक्ष रखने के लिए। राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त जुड़ चुके हैं। पंकज श्रीवास्तव कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं। और विष्णु जैन साहब हैं, वरिष्ठ वकील हैं और याचिका दाखिल करने वाले भी वही हैं। सबसे पहले विष्णु जैन साहब, मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी, क्योंकि ये समझ पाना इस समय बहुत जरूरी है कि ये जो याचिका जो कि 57 पेज की है, इसमें क्या क्या बातें आपने कही हैं और जो समझौता हुआ उसको आप क्यों कह रहे हैं कि वो समझौता रद्द कर देना चाहिए। देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और मैं उस बात को कहने से पहले ये बताना चाहता हूं कि ये जो हमने याचिका की है, ये सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण विराजमान की तरफ से की है। क्योंकि हमारा याचिका में कहना यह है कि जिस तरह से वहां पे भगवान का मंदिर तोड़ा गया औरंगजेब द्वारा और वहां पे तोड़ के एक मस्जिद बनाई गई, उसका हमारे पास हिस्टोरिकल प्रूफ है। हमने अपने जो पिटिशन है उसमें हमने उसको डाला भी है, लगाया भी है, जिसमें ये कहते हैं कि औरंगजेब ने वहां पे एक मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया। और ये जो औरंगजेब का फरमान है वो मजलिसे आलमगीरी के पेज नंबर 95 पे कोटेड है। मैं वो फरमान पढ़ के यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मथुरा में जाके श्री कृष्ण जन्मभूमि को तोड़ दो, भव्य मंदिर को तोड़ दो और जितनी बड़ी छोटी मूर्तियां हैं बेगमशाही मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा दी गई कि जब वो नमाज पढ़ने जाए उस पर कुचलते हुए जाए। इसके बाद इतिहास में हमने जो आपने अभी कॉम्प्रोमाइज की बात कही, 12 अक्टूबर 1968 का जो कॉम्प्रोमाइज है वो गलत हुआ है, क्योंकि जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी थी मदन मोहन मालवीय ने वो पूरी प्रॉपर्टी श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को दी थी और जो कॉम्प्रोमाइज किया गया है वो एक फर्जी संगठन बनाया गया जिसे कहते हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ, और उसने वो कॉम्प्रोमाइज किया था। जब प्रॉपर्टी ट्रस्ट की थी तो अगर कोई केस फाइल कर सकता था, कोई उस चीज पे कॉम्प्रोमाइज कर सकता था, तो वो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट थी। श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ का इस कॉम्प्रोमाइज से कोई लेना देना नहीं हो सकता है। और यही सारी बातें हमने न्यायालय में रखी हैं। अब इसमें अगली डेट सुनवाई की 5 जनवरी को है। न्यायालय ने इस मामले में नोटिस जारी किया सारे पक्षकारों को। और मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा और आपके सामने रखना चाहता हूं, मुस्लिम पक्षकार कोर्ट में जब भी ये केस चलता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की दुहाई देते हैं, वो कहते हैं केस ही नहीं चल सकता है। और इसीलिए आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है, मैं उनके बयान से सहमत हूं, क्योंकि अगर कोई स्टेट लिस्ट देखेगा संविधान की तो लिस्ट 2 जो राज्य सरकार की लिस्ट है जिसमें राज्य सरकार कानून बना सकती है, उसकी एंट्री 7 के तहत पिलग्रिमेज आता है जिसमें राज्य सरकार को कानून बनाने का हक है। और आर्टिकल 254 सब क्लॉज 2 के तहत अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट गलत है तो राज्य सरकार उसको निरस्त कर सकती है और अगर उसको प्रेसिडेंट से एसेंट मिलती है तो वो मान्य होगा, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की ये लोग दुहाई देते हैं और केस चलने में गतिरोध पैदा करते हैं। ये मुद्दा भी है, लीगल मुद्दे के साथ चुनावी मुद्दा भी है। और मैं एक बात और रखना चाहता हूं आपके सामने, जो श्री कृष्ण जन्मभूमि का इतिहास है कितना रक्त रंजित इतिहास है, ये मथुरा के रहने वाले अच्छे से जानते हैं कितनी बार उसको उस मंदिर को तोड़ा गया है। 1618 में राजा बताइए याचिका आपने कब दायर की थी, कॉस्ट से उसको बनवाया था। ये याचिका हमने सितंबर में दाखिल की थी, 25 सितंबर 2020 को। तो इतना लेट क्यों सर? इतना लेट देखिए मैं आपको यही बात बताना चाहता हूं, लेट की बात नहीं होती। जब राम मंदिर का फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से तो सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के फैसले में पैरा 116 पैरा 117 में बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रोपोजिशन ले डाउन किया और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा उस पैरा 116 117 में, मैं चाहूंगा आप लोग उसे देखें, उसमें उन्होंने कहा है कि अगर मंदिर कभी भी तोड़ दिया जाए या वो बाढ़ से या नष्ट हो जाए तो मंदिर बनाने का संकल्प अमर होता है, अमिट होता है। और उसी प्रपोजिशन को आगे बढ़ाते हुए हमने ये केस दायर किया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 9 नवंबर 2019 को आया है और हमने जो केस फाइल किया उसकी रिसर्च करने के बाद, उसको स्टडी करने के बाद 25 सितंबर 2020 को फाइल किया है। इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूं, नहीं हिंदू सर, ये जो आप बात बता रहे थे 1968 में जो श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और शाही ईदगाह प्रबंधन समिति के बीच जो समझौता हुआ जिसको आप गलत बता रहे हैं, ये समझौता तो आपको पहले से पता था। आप ये भी कह रहे हैं कि जिस जमीन पर मस्जिद बनी है वो श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट के नाम है, यानी इन सब बारे में तो आपको जानकारी थी, बाद में आपने रिसर्च करके बाद में याचिका दायर की। अगर आपके पास जानकारी थी कि 2020 में ही आपको ये याद क्यों आया कि अब ये मुद्दा याचिका के तौर पर कोर्ट के सामने रखना चाहिए, जरा मुझे ये बता दिए। मैं इसका जवाब दे देता हूं। देखिए, आपने दो प्रश्न पूछे, बहुत अहम प्रश्न है। सबसे पहली बात, हिंदू लॉ के हिसाब से हिंदू डेटी एक परपिचुअल माइनर होता है
और माइनर कभी भी अगर शिबायत ने या भक्त ने किसी ने भी अगर माइनर के भगवान के इंटरेस्ट के खिलाफ काम किया है तो वो कभी भी कोर्ट में जा सकता है। आप ये सवाल नहीं पूछ सकते हैं कि आप इतनी लेट क्यों आए कोर्ट में, क्योंकि जो लिमिटेशन पीरियड होता है उसमें भगवान कभी भी आ सकते हैं। राम मंदिर के केस में 1950 में केस फाइल हुआ गोपाल सिंह विशारद द्वारा, तो आप कहेंगे बाबर ने 1528 में तोड़ा था तो आपने 1950 में क्यों केस फाइल किया, पहली बात। दूसरी बात आपने कही जो 12 अक्टूबर 1968 का समझौता है वो आपको पता था तो आपने क्यों केस फाइल किया, मैं उसका जवाब दे देता हूं। 12 अक्टूबर 1968 का जो समझौता था वो किसी को नहीं पता था, ना कोई पब्लिक नोटिस जारी हुई थी, ना वो रिप्रेजेंटेटिव सूट था। और जब वो समझौता हिंदू जनता की नॉलेज में आया तो जो भक्त हैं और भगवान दोनों ने केस में कोर्ट में केस फाइल किया है और कोर्ट ने उसमें नोटिस जारी किया है। इस समय वो मथुरा की सिविल जज डिस्ट्रिक्ट जज, किसी को नहीं पता, तो ये कैसे पता श्री कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट के नाम है अभी भी वो जमीन, ये आप किस ग्राउंड पर कह रहे हैं? ये इस ग्राउंड पे कह रहा हूँ क्योंकि हमारे पास कॉन्क्रीट डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स है जिसमें जब ये ट्रस्ट बना था जो सेठ जुगल किशोर बिरला थे उन्होंने मदन मोहन मालवीय से वो सारी प्रॉपर्टी 13,400 रुपए में खरीद के वो सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में निहित की थी। ट्रस्ट डीड में भी ये बात लिखी हुई है। उस समय ट्रस्ट वर्चुअली डिफंक्ट हो गया था श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और उन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई। कालांतर में जब लोगों को पता चला कि 1968 विष्णु जैन साहब आ रही हूँ, सुधांशु त्रिवेदी साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी, ये अजब इत्तेफाक दिख रहा है, विष्णु जैन 2020 में इन्होंने याचिका दायर की और 27 सितंबर 2020 का विनय कटियार का वो बयान आज याद आ रहा है जब उन्होंने कहा कि अब मथुरा काशी की, काशी हो चुका, मथुरा की बारी है। तो यानी क्या 2020 में इस बात का एहसास बीजेपी को हो गया कि सिर्फ विकास के रास्ते पर चल के गद्दी नहीं मिलेगी, मुद्दा कुछ और भी लाना पड़ेगा और इसीलिए 2022 से पहले यानी 20 में ही ग्राउंड तैयार कर लिया गया? अर्पिता जी, सबसे पहले तो इत्तफाक ये है कि जब इस तरह का कोई विषय उठता है जो भारत के गौरव और स्वाभिमान का विषय हो तो उसको एंटी माइनॉरिटी कह दिया जाता है। अभी आपके सामने सारे तकनीकी विषय किसने रखा? विष्णु जैन जी ने। यह भी तो माइनॉरिटी है, यह भारत की 1% से कम की माइनॉरिटी है, यह भारत की सबसे समृद्ध माइनॉरिटी है, भारत की सबसे इससे भी कम माइनॉरिटी है पारसी 0.01%, सबसे शिक्षित माइनॉरिटी है। समस्या क्या है कि जिन लोगों ने माइनॉरिटी के नाम पर राजनीति की उससे सबसे प्रचंड माइनॉरिटी को ही, यानी जो सेकंड बिगेस्ट मेजॉरिटी है उसको माइनॉरिटी कह कह के 0.01% की कोई वैल्यू नहीं, यहूदी उनकी कोई वैल्यू नहीं, 2% वाले 1.1% वाले बुद्ध उनकी वैल्यू नहीं, 1.8% की माइनॉरिटी है, सिख कितना एंटरप्रेन्योर है, सारी समस्या केवल एक एक सबसे बड़ी माइनॉरिटी को नजर आती। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं, एक और इत्तेफाक देखिए। अगर मैं आपसे पूछूं हिंदू धर्म का सबसे बड़ा प्राचीन मंदिर कहां है, सबसे बड़ा भारत में नहीं है, अंकोर वाट कंबोडिया में, आधुनिक मंदिर सबसे बड़ा भव्य मंदिर कहां है, स्वामीनारायण मंदिर न्यूजर्सी में, क्या यह आपको सहज बात लगती है कि रामकृष्ण और शिव के स्थान पर बने मंदिरों से भव्य मंदिर बाहर हैं, यहाँ पे मंदिर नहीं थे? नहीं नहीं सर, इसलिए मैं कह रहा हूँ जब राजनीति को सांस्कृतिक दृष्टि से देखिए, आस्था का विषय वो ठीक है, लेकिन आपको याद होगा लोकसभा चुनाव जब पहली बार बीजेपी इतने दमखम से आगे आई थी, पहली बार विषय नहीं है सर, उस समय क्या बात हो रही थी? विषय नहीं है, उस समय विकास का नारा था ना सर, इस बार हम ये माने कि विकास के साथ आपने प्लस करके मथुरा भी जोड़ा है, जैसे आपने राम मंदिर जोड़ा था तो प्लस के बिना प्लस नहीं होगा क्या सर? प्लस मथुरा किया गया है क्या? दूसरी बात, आप दोनों बात जवाब, पहली बात ये आस्था का विषय कहां है? भगवान कृष्ण के नाम पर सबसे बड़ी सोसाइटी दुनिया में कौन है? इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, हिंदुओं की है क्या? दुनिया के 100 से अधिक देशों में भगवान कृष्ण पूजे जाते हैं, पूरे यूरोप में हरे कृष्णा हरे रामा मूवमेंट चला, वो कोई हिंदुओं का मूवमेंट था? टाइमिंग को लेकर सवाल है सुधांशु जी, आप बहुत बहुत ही बढ़िया बोलते हैं और जब आप बोलते हैं तो लगता है कि आपको 10 मिनट सुना जाए सर, लेकिन क्योंकि वक्त हमारे पास थोड़ा लिमिटेड होता है इसलिए मैं थोड़ा सा आपसे चाहूंगी कि आप मेरे ही सवालों के इर्द गिर्द जवाब दीजिए। मैं ये सीधा सा जानना चाहती हूँ क्योंकि अभी और जो पैनलिस्ट है उनके पास जा भी नहीं पाई हूँ सर, सीधा सा मतलब आप मुझे जरा बताइए एजेंडा चुनाव के टाइम पे जब आप, क्योंकि देखिए अब 5 जनवरी के बाद आज ही चुनाव आयोग ने बोला कि 5 जनवरी के बाद कभी भी ऐलान हो सकता है, विकास केवल एजेंडा आपका नहीं रहेगा, मथुरा भी उसमें प्लस रहेगा, हाँ या ना सर, इसमें आप अपनी राय रखिए, उसके बाद मैं और गेस्ट के पास भी जाना चाहूंगी। सुधांशु जी,
ये तो वैसी बात हो गई कि किसी बच्चे से पूछा जाए कि तुम अपने माता पिता का सम्मान करते हो या पढ़ाई, दोनों में कोई विरोध है क्या? सर उसमें वो प्लस कर सकता है ना, मैं तो सम्मान विकास भी करता और इसमें विरोध कहां पे है? पढ़ाई तो ये करता जानना हूं, सर ये एग्जांपल चला नहीं सर, खैर बस तो मैं देश के मान बिंदुओं का उतना ही सम्मान करता हूं, उतना ही विकास करता हूं। वैभव और गौरव दोनों के प्रति मेरी समान आस्था है। वैभव और गौरव में कभी कोई मतभेद नहीं है। क्लियर है सर? राजकुमार भाटी साहब मुस्कुरा रहे हैं आप केवल। नहीं, मैं मुस्कुराता इसलिए रहा था कि आपने बिल्कुल वाजिब प्रश्न पूछा। नीति आयोग की रिपोर्ट है जो कि माननीय मोदी जी के अधीन ही है नीति आयोग, के उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं खराब हैं और ये हमने सबने देखा कि कोरोना के पीरियड में मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिली, बेड नहीं मिले, डेड बॉडी उठाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली। NCERB के आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश महिलाओं के प्रति अपराध में पूरे देश में नंबर एक हो गया है और डेढ़ गुने अपराध उत्तर प्रदेश में बढ़ गए हैं पिछले कुछ दिनों में। भुखमरी में उत्तर प्रदेश नंबर एक है, गरीबी में उत्तर प्रदेश नंबर एक है, बेरोजगारी में उत्तर प्रदेश नंबर एक है। एक और रिपोर्ट आई है कि जो MP MLA स्पेशल कोर्ट है उसने भारतीय जनता पार्टी के 32 विधायकों को अपराधों में दोषी करार दिया है, जिन्हें 6 महीने से लेकर 6 साल तक की सजा हो सकती है। अगर चुनाव से पहले पहले हो गई तो ये चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने 12 मुकदमे वापस ले चुके हैं, उप मुख्यमंत्री के खिलाफ 10 मुकदमे थे वापस लिए जा चुके हैं। GDP ग्रोथ उत्तर प्रदेश की -6 में पहुंच गई है, इसकी चिंता कौन करेगा? सुधांशु जी से आप ये भी पूछिए, क्या मुख्यमंत्री की चिंता ये भी नहीं होनी चाहिए कि बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी? सवाल में जल्दी से आपसे पूछना चाहूंगी जी, आप चाह रहे हैं मथुरा में भव्य मंदिर का निर्माण हो, पक्ष में हैं आप इसके? देखिए अभी सुधांशु जी ने खुद उदाहरण देकर बताया कंबोडिया का, अमेरिका का, दूसरे देशों का, इस्कॉन का, कि पूरे भारत में हिंदुत्व का डंका बज रहा है, शानदार मंदिर बन रहे हैं। लेकिन सुधांशु जी का अर्थ ये है कि भारत में हिंदुत्व खतरे में है, भारत का हिंदू खतरे में है। जब भारत में 700 साल मुगलों ने, दूसरे देशों के लोगों ने राज किया, मुसलमानों ने राज किया, हिंदुत्व खतरे में नहीं था। 200 साल अंग्रेज रहे, हिंदुत्व खतरे में नहीं था। कांग्रेस का राज था, हिंदुत्व खतरे में नहीं था। और पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्टों का राज था, हिंदुत्व खतरे में नहीं था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री। भाटी साहब, मैंने ये नहीं पूछा कि हिंदुत्व खतरे में है या नहीं, मेरा सवाल आपसे ये था कि मथुरा में अगर जैसा बीजेपी कह रही है मंदिर होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर आपकी अपनी राय। देखिए मैंने उसी बात का आपका जवाब दे रहा था, जब सब जगह घुमा के दिया, सीधा देते ना तो और अच्छा लगता सर। मैं चाह रहा हूँ सीधा जवाब दीजिए। जैन साहब की नहीं, सीधा आप मुझे सीधा सवाल बताओ, मैं क्या कहूँ बताओ। अगर कहीं भी किसी धर्म के, जो धर्म को मानने वाले, हिंदू अपना मंदिर बनाते हैं, मुस्लिम अपनी मस्जिद बनाते हैं, आप सिख अपना गुरुद्वारा बनाते हैं, तो कोई रोकता है क्या? इस देश में कोई ऐसा कानून है कोई रोकेगा? जिन्हें भव मंदिर बनाना, भव मंदिर बनाए, यानी शासन की जिम्मेदारी क्या बनती है, ये तो उनसे सवाल किया जाना चाहिए। ठीक, यानी बनना चाहिए, है ना भाटी साहब? हमें क्या आपत्ति है? बिल्कुल, आपको कोई आपत्ति नहीं है। बहुत बड़ी बात, बहुत बढ़िया बात। पंकज श्रीवास्तव भी हमारे साथ है कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। पंकज श्रीवास्तव जी, यही सवाल जरा मैं आपसे भी रखना चाह रही हूँ। राम मंदिर को लेकर कई आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगते रहे, कपिल सिब्बल पर लगते रहे कि रोड़ा अटकाया गया। कांग्रेस पार्टी क्या कोई रोड़ा अटकाने में इस बार आगे बढ़ रही है? या अगर मान लीजिए मथुरा में भी मंदिर बनता है तो जैसे अयोध्या में दर्शन करने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता जाते हैं, मथुरा में भी जाएंगे क्या? देखिए अर्पिता जी, पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जन्म के बाद मंदिर, भगवान, आस्था, इस सब का जन्म नहीं हुआ है। हजारों साल से मनुष्य लोकतंत्र और को परलोकतंत्र में नहीं बदलना चाहिए। परलोक को लेकर सबकी अपनी अपनी आस्थाएं होती है। सभी धर्म आपको परलोक की ओर ले जाते हैं कि आपको जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलेगी, कयामत होगी और वगैरह वगैरह। मैं उस पर जाना नहीं चाहता। सवाल है कि ये लोकतंत्र है या परलोकतंत्र है। अगर ये लोकतंत्र है तो लौकिक जीवन को बेहतर करने के लिए चुनाव होते हैं, सरकारें चुनी जाती हैं, उनका काम है कि लोगों की जिंदगी को बेहतर करें। जिस रामराज की बात करते हैं उसमें भी दैहिक दैविक भौतिक तापा की बात है, तभी वो रामराज होता है। और आप देख लीजिए भाटी साहब ने जो तमाम आंकड़े गिनाए, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। हर मोर्चे पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार खिसड्डी साबित हो रही है, हर मोर्चे पर। चाहे रोजगार का प्रश्न हो, चाहे स्वास्थ्य का प्रश्न हो, चाहे अपराध और हिंसा का प्रश्न हो, हर मोर्चे पर ये खिसड्डी सरकार है। तब वो क्या करेगी? तब वो तमाम वो मुद्दे लाएंगे जो कि बताया जाएगा साहब
हम अगर हारे तो आस्था और हिंदू खतरे में पड़ जाएंगे। अरे भाई मैं कहता हूं आप हर सड़क पर मंदिर बनवाइए, हर जगह मंदिर बनवाइए, जितने मंदिर चाहे बनवा लीजिए, किसे क्या आपत्ति है। लेकिन ये बताइए कि हमारी जो पाप नाशिनी गंगा है वो शव वाहिनी गंगा कैसे बनी, लोग एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए कैसे मरे। आप ये बताइए कि यहाँ बेरोजगारों पर लाठियां क्यों चल रही हैं। आप ये बताइए कि हमारे प्रदेश की जो आशा बहुएं जब मिलने जाती हैं मुख्यमंत्री से तो उन पर लाठियां क्यों चलती हैं। आप ये बताइए कि इस प्रदेश में आपने कहा था कि 70 लाख लोगों को रोजगार देंगे अपने पिछले संकल्प पत्र में और आपकी सरकार कहती है कि हमने 4.5 लाख लोगों को दिया। आपकी सरकार कहती है विधानसभा में खड़े होकर एक भी व्यक्ति ऑक्सीजन के बिना मरा नहीं है, ऑक्सीजन के अभाव में मरा नहीं है, क्या है। मुझे याद आता है सुभाष चंद्र बोस जी का जो उन्होंने मई में 1940 में झाड़ग्राम में एक भाषण दिया था और उन्होंने कहा था यहाँ चुनाव उस समय हो रहे थे, उन्होंने कहा कुछ लोग साधु संतों को के वेश में वोट मांगने निकल पड़े हैं, ये राष्ट्रीय जीवन के गद्दार हैं, इनको निकाल फेंको। हिंदुओं से सीधे आग्रह किया था कि इन्हें राष्ट्रीय जीवन से निकाल फेंको, ये देश के गद्दार हैं। वैसे ही जो लोग धर्म का राजनीति में इस्तेमाल कर रहे हैं, धर्म के आधार पर वोट मांग रहे हैं, वो भारतीय संविधान की आत्मा पर कुठाराघात कर रहे हैं। आप मथुरा की बात करती, जितना मंदिर बनवाना हो बनवाएं, अगर कोई चीज कोर्ट में है तो कोर्ट का फैसले के इंतजार करें, जहां कोर्ट का फैसला नहीं आड़े आ रहा, जहां खाली जमीनें हैं खूब मंदिर बनवाएं, मेरी ओर से पूरी शुभकामनाएं। ठीक है, सवाल ये है कि आप चुने गए हैं सरकार चलाने के लिए, सरकार के रूप में आपने इस प्रदेश की जनता के साथ क्या किया। नीति आयोग कह रहा है कि आपने सबसे गरीब प्रदेशों की सूची में जो तीसरे नंबर का गरीब प्रदेश है वो बनाया। यानी सुधांशु जी वो सीधा से सवाल ये पूछ रहे हैं क्योंकि विकास का नारा लेकर आप आए और उसके बाद अब जब चुनाव सर पर हैं तो मथुरा का राग आलाप रहे हैं, वो आंकड़ों पे जवाब चाह रहे हैं कि रोजगार और विकास का काम कितना हुआ है, क्या वो अहम मुद्दा नहीं होगा जब आप उतरेंगे चुनाव में। मैं सारी बात का उत्तर दूंगा, जैसे मैंने शांति से सुना मैं अपेक्षा करूंगा पंकज जी उसी प्रकार मुझे शांति सुनेंगे। पंकज जी अब धारा प्रवाह बोल रहे थे तो मुझे लगा कि उन्होंने आखिरी वाक्य बोला जहां सत्ता में है वो करना चाहिए, मुझे लगता अपने राज्यों का बता रहे थे। बताइए सबसे ज्यादा कोरोना से डेथ कहां हुई, महाराष्ट्र में जहां आपकी गठबंधन सरकार है। कितना आंकड़ा दिया आपने कि ऑक्सीजन की कमी से डेथ हुई, दे दीजिए ना। और उसके बाद सबसे ज्यादा कहां हुई, केरल में जहां से राहुल गांधी सांसद है, जहां देश में सबसे बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है। अभी आप जिस आंकड़े की बात बता रहे हैं कि हेल्थ में सबसे बेहतर स्थिति केरल की आई है जहां सबसे ज्यादा डेथ हुई है, दे दीजिए ना आंकड़ा कि कितने लोग की ऑक्सीजन से डेथ हुई है। बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, राजस्थान में बेरोजगार भत्ता देंगे, 3 साल पहले 5,000 रुपए दे दिया। महंगाई के ऊपर रैली करने के लिए राजस्थान में गए, भाषण देने लगे, हिंदू और हिंदुत्व के ऊपर बहनों की बात करने लगे, तो मुझे वो पंजाब का वो दृश्य याद आ गया कैसे पुलिस जो है एक बहन को पकड़कर उसका मुंह खींच कर लेती जाती हुई चली जा रही। खैर वो छोड़िए, अब मैं उत्तर प्रदेश के ऊपर आता हूं, तो मुझे कभी कभी लगा शायद वो अपने बारे में बोल गए थे। अब मैं आता हूं उत्तर प्रदेश पे। जब हमारी सरकार आई तो उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था थी वो 10 पॉइंट कुछ लाख करोड़ रुपए की थी, आज 21 पॉइंट कुछ लाख करोड़ रुपए की है। आज हम भारत में महाराष्ट्र के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जब हमारी सरकार आई तो प्रति व्यक्ति आय 47,000 रुपए थी, आज 95,000 रुपए है, 5 साल में यह आय डबल हुई। जब हमारी सरकार आई तो कितने मेडिकल कॉलेज थे और आज कितने मेडिकल कॉलेज हैं? जब हमारी सरकार आई तो 2 वर्किंग एयरपोर्ट थे, केवल लखनऊ और वाराणसी, आज 7 वर्किंग एयरपोर्ट हैं। हमारी सरकार आने से पहले सपा बसपा के शासनकाल में 10 साल में मिलाकर 90,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों को भुगतान किया गया था, हमारी सरकार में 4.5 साल में 1,43,000 करोड़, यानी 4.5 साल में 10 साल से 1.5 गुना ज्यादा किया गया। और 100 बातों की बात, आपकी सरकारों के दौरे हुकूमत में 1 करोड़ रुपए की भी संपत्ति किसी माफिया की जब्त की गई हो तो बताइए, हमने 1,886 करोड़ रुपए की माफिया की संपत्ति जब्त की। तो हमने विकास भी किया जैसे प्रधान, और मैं वो नहीं कह रहा हूं कि जनधन योजना में सिलेंडर्स किसको मिले, शौचालय कितने बने, प्रधानमंत्री आवास योजना में कितना हुआ, किसानों को सम्मान निधि कितनी मिली। सर आपने जितना गिनाया उससे तो लग रहा है बहुत विकास हुआ उत्तर प्रदेश का। बात तो कर लूं ना सर, सुनिए तो, बहुत विकास हुआ है फिर तो उत्तर प्रदेश। मैं उसी पे तो आ रहा हूँ। तो सर ये मथुरा का जिक्र फिर क्यों? अरे ये मैं उसी पे तो आ रहा हूँ, केवल क्यों नहीं, यही तो सवाल है सर। मैं बता रहा हूँ, अरे मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। अब पंकज जी ने एक बात कही कि भाई ये परलोक की बात हो रही कि इहलोक की बात, तो मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, महात्मा गांधी की समाधि पर हे राम लिखा है वो राम परलोक से संबंधित है या इहलोक से? अब बताइए, उन्होंने राम राज्य की अवधारणा दी थी वो परलोक के लिए था, यही लोक से, तो समझ लीजिए लोक परलोक यही मोक्ष धाम है,
इसलिए बोलिए, हर क्षण बोलिए जय श्री राम की। ये दोनों चीजें हमारे साथ हैं, इसमें कोई भेद नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, श्रेष्ठतम मानवीय मूल्यों के प्रतीक है। और दुख की बात मुझे जानते क्या लगती है, सिर्फ इस भारत में सुधांशु जी मुझे कितना इंतजार करना पड़ेगा अपने जवाब को सुनने के लिए। बता रहे थे, आप बताइए क्या प्रश्न है आपका सर। मैं ये दूसरी बार आपसे सवाल कर रही थी, अब मैं तीसरी बार भी रिपीट कर आप देती हूँ। बताइए जी, मेरा सवाल सुधांशु जी ये कि बहुत, एक तो आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बताइए, और जब आप बोलते हैं तो लगता है सुना जाए, लेकिन सवाल जो है मैं आपसे बार बार ये चाह रही हूँ कि उसी सवाल के इर्द गिर्द अगर आप जवाब दें तो थोड़ा और, क्योंकि बहुत देर से देखिए पंकज श्रीवास्तव भी बोलना चाह रहे हैं, उनको भी मौका देना चाह रही हूं मैं। सुधांशु जी मैं सीधा सा सवाल, आपने पहले सवाल जो मैंने आपसे पूछा, मैंने आपसे पूछा कि क्या विकास के साथ प्लस मथुरा हुआ है, आपने उसका जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे पूछा, आपने गिनाया इतने सारे काम हुए हैं, आप लिस्ट लेकर बैठे और कह रहे हैं बहुत सारे बात तो अभी मैंने बताई नहीं। चलिए मैं मान रही हूं कि बहुत विकास उत्तर प्रदेश में हुआ, और अगर विकास हुआ तो आप विकास के नाम पर जब आप सत्ता में नहीं आए थे तब आप कह रहे थे कि हमारा एजेंडा विकास होगा। अब तो आपको काम करने के लिए 5 साल मिल गए, उसके बाद भी आप विकास की बात नहीं कर रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि मथुरा में मंदिर बनना चाहिए, तो क्या आप दोनों को लेकर चल रहे हैं, या विकास उतना नहीं हुआ है? क्यों मथुरा का नाम आप ऐन वक्त पर चुनाव से पहले इसका जिक्र आज भी क्यों किया योगी आदित्यनाथ ने? अच्छा ठीक है अर्पिता जी, ये हमने शुरू किया, यही आपका सवाल है ना सर? मैं ये सुनना नहीं चाह रही हूँ, आप ये इसका जवाब बिल्कुल मत दीजिएगा कि कांग्रेस ने ये कब शुरू किया सर। हाँ। मेरा सीधा सा सवाल देखिए सर, उनसे कांग्रेस से जो सवाल है मैं सीधा सवाल उनसे पूछने के लिए यहाँ पर बैठी हूँ, पूछ लूंगी सर। मेरा आपसे यही सवाल है, कांग्रेस की सरकार ने क्या नहीं किया? अभी वो सत्ता में नहीं है, जवाबदेही भी उनकी नहीं बनती सर, आप है इसलिए सवाल आपसे, जवाबदेही भी आपकी होनी चाहिए। अब मैं जवाब दे रहा हूँ अर्पिता जी, ये बताइए जिन्ना का विषय कौन लाया सबसे पहले? हम लाए। अच्छा, तो ये जिन्ना के बदले आप मथुरा लेकर आए, अयोध्या राइजिंग किताब जिन्ना के बदले मथुरा लेकर आए सर, या सलमान कुर्सी? नहीं, मेरी बात तो सुनिए ना। अरे इतना, अरे भाई अब पूरी बात सुनने की वो रखिए, धैर्य रखिए, इतना नहीं है। हिंदू तालिबान किसने कहा इसी चुनाव के समय? सलमान खुर्शीद ने। ये बोलिए बाबरी मस्जिद मेरे दिल में है किसने कहा? शफीकुर रहमान बर्क ने। सुनिए मुस्लिमों के पेशाब से चिराग जलवाऊंगा, ये किसने कहा? इनके समाजवादी पार्टी के बिजनौर के जिला अध्यक्ष ने। और तो और तालिबान का समर्थन किसने किया? मुनव्वर राणा ने। अब ये बताइए ये सब विषय तो ये लाएंगे, महंगाई पे रैली करके हिंदू बनाम हिंदू तो किसने बोला? राहुल गांधी ने। तो अर्पिता जी सोचिए ये कॉन्टेक्स्ट ला कौन रहा है, संदर्भ कौन ला रहा है, हम या ये? ठीक है राजकुमार भाटी साहब, अब जिन्ना का जिक्र अखिलेश यादव कर देते हैं उससे, हालांकि वो बैकफुट पर हैं, पंकज श्रीवास्तव जी मैं एक सेकंड में बता रही हूँ, उसपे वो बैकफुट पर, उस पर वो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एजेंडा तो वो भी छेड़ रहे हैं, तो आप सिर्फ बीजेपी पर आरोप क्यों लगा रहे हैं कि चुनाव से पहले ये विकास पर बात नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ मथुरा पर बात कर रहे हैं, फिर क्यों आरोप सर? अर्पिता जी जिन्ना को लेकर हम कई बार स्पष्ट कर चुके हैं, और किसी को इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए, इस देश का कोई मुसलमान जिन्ना के नाम पर वोट नहीं देता है। अगर कोई इस गलतफहमी में है तो मुसलमानों की देशभक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। जिन्ना का नाम कोई अखिलेश जी ने किसी प्रशंसा के लिए नहीं लिया था, उनका महिमा मंडन नहीं किया था, एक भाषण में केवल इतना जिक्र किया था कि एक जगह पढ़ के आए थे। जिन्ना की मजार पर अगर जाके किसी ने चादर चढ़ाई थी तो उनका नाम लाल कृष्ण आडवाणी जी है, और जिन्ना की अगर महिमा मंडन करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी करते हैं। खैर इस विषय से आगे बढ़ते हैं। अब सुधांशु जी ने बहुत उपलब्धियां गिनवाई, उत्तर प्रदेश की और भी बहुत उपलब्धियां। बिजनौर में एक विधायक का भारतीय जनता पार्टी की सड़क का उद्घाटन करने गई, उन्होंने नारियल मारा उस पर सड़क फोड़ने के लिए, नारियल नहीं फूटा सड़क फूट गई, ये उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियां हैं। 15 पर्चे आउट हुए हैं परीक्षाओं के 5 साल में, और कितनी परीक्षाएं अटकी हुई हैं कोर्ट में, जो बेरोजगार छात्र हैं जो परीक्षा दे चुके हैं जिनके ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, पुलिस के छात्र अब उसके शिक्षकों की 69,000 भर्ती के उन पर दर्जनों बार लाठियां चली हैं। ठीक है, फर्जी पुल कहां का पश्चिम बंगाल का लाके कौन छापता है? उत्तर प्रदेश की सरकार। ठीक, बहुत अच्छे वक्ता हैं और उन्होंने काफी बातें कही, लेकिन जो मूल सवाल है उस पे उन्होंने एक का भी जवाब नहीं दिया। उत्तर प्रदेश के सारे आंकड़े इनकी सरकार के, नीति आयोग के हैं। जब यहाँ पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन के बिना लोग मर गए तो बता रहे केरल में लोग ज्यादा मरे हैं, पर केरल में ऑक्सीजन की कमी कहाँ पड़ी? और केरल में इसलिए लोग ज्यादा मरे कि वहां पे विदेश से ज्यादा लोग आते हैं, संपर्क ज्यादा होता है, और जब पूरा जी
क्या क्या मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है पंकज जी, रखिए जल्दी से अपनी बात। जब जब आप यहाँ पर पूरी दुनिया कह रही थी कि कोरोना आने वाला है, तो आप यहाँ पर नमस्ते ट्रंप चला रहे थे, तब संसद में खड़े होकर इस देश के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी कोरोना के बारे में जो बातें कह रहे हैं वो झूठ है, वो देश को डरा रहे हैं। आपने तो इतनी आपराधिक लापरवाही की जिसकी वजह से लाखों लोग मर गए, लाखों लोग। जिस चीन से कोरोना पैदा हुआ जो कहा जाता है, उस चीन में कितने लोग मरे हैं? कुछ हजार लोग। उसके आसपास के देशों में कितने लोग मरे हैं वो भी आप देख लीजिए। राजस्थान में डेथ नहीं हुई, पंजाब में डेथ नहीं हुई। नमस्ते ट्रंप के नाम पर लोगों को बुलाया, वहाँ ऑक्सीजन की शॉर्टेज नहीं। सुधांशु जी जवाब दीजिए, आ रही हूँ विष्णु जैन साहब। अधिक लापरवाही की उसकी वजह से देश में इतना कोरोना फैला है, और आप आज भी ताली थाली के अलावा आपके पास कुछ था नहीं जो आपने किया। सिर्फ तीन लाइन लोगों को लगी है, कितने लोगों को लगी है दोनों डोज, आप जानते हैं इस बात को। सुधांशु जी जी सिर्फ तीन लाइन। ये जिस समय के नमस्ते ट्रंप की बात कर रहे हैं, मैं दर्शकों से कहूंगा जाके नेट पे चेक कर लीजिए, फरवरी 2020 में राहुल गांधी खुद इटली में थे और यहां भाषण दे रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रोक देनी चाहिए। तीसरी बात, क्या मुंह से निकल गया पंकज जी के, चाइना में मरे हैं कुछ हजार लोग, सही बात है, उसने 3000 कुछ सौ का आंकड़ा दिया है आज तक, उसके हिसाब से जनवरी 2020 के बाद से एक आदमी नहीं मरा है कोरोना से। गजब है भाई, जिस देश में आया है कोरोना वहां वुहान से शंघाई और ग्वांजू तक नहीं पहुंचा है, और पिछले 2 साल में एक भी आदमी नहीं मरा है। धन्य है आप ऐसे आंकड़ों को आप उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार के खिलाफ करने के लिए प्रयोग करते हैं। और तीसरा, इनके मुंह से क्या निकला देखिए, अब देखिए फिर बोलने लगे। देखिए आप इस तरह की बात बोल रहे हैं, तो कुछ नहीं बोल रहा था साहब, आपने कहा केरल में और महाराष्ट्र में एक भी व्यक्ति की ऑक्सीजन से डेथ नहीं हुई है, ऑक्सीजन की कमी नहीं कहा, ये तो आप बोल रहे हैं। अरे हमारे मंत्री ने तो आपने बोला केरल में तो डेथ नहीं हुई, केरल में ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, आपने बोला अभी रिवाइंड करके देखा जा सकता है। समस्या क्या है, समस्या हाँ, अरे भाई ये बताइए ये कौन सर्टिफाई करता है डेथ कैसे हुई, अपील करता है कि नहीं, बोलिए हाँ या ना, अरे बोलिए ना, डेथ किस तरीके से कौन करता है और हेल्थ का स्टेशन। सुधांशु जी एक सेकंड, दोनों लोगों को रोक रही हूं मैं। अब दिक्कत ये है सर कि हम इसमें ज्यादा खुश होने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी शर्ट तुमसे ज्यादा सफेद है, यहाँ एजेंडा तो यही हो गया। तो बात ही नहीं कर रहे वो केरल पर, अरे भाई उत्तर प्रदेश में, अरे सर तो जब आप आरोप लगा रहे हैं आप भी दूध के धुले हो तो बात समझ में आती है। राजस्थान पंजाब में कोई डेथ नहीं हुई सर, मैं कहा कुछ कह रहा हूं। अभी मैं जब आपसे पूछ लेती हूँ कि किसानों के लिए आपकी कोई रणनीति थी, आपकी रणनीति नहीं है। चुनाव आयोग जब पूछ रहा है चुनाव होना चाहिए नहीं होना चाहिए, रैलियां होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, आप एक टूक तो नहीं कह पाए कि रैलियां नहीं होनी चाहिए, वर्चुअल रैली होनी, कहा आपने ये कोरोना को बेहतर अब दिखा रहे हैं, कहा है आपने आज चुनाव आयोग से लोगों से बातचीत हुई है, कहा आपने बिना मिले चले गए वो, अरे हमारे कांग्रेस का कोई अधिकृत प्रतिनिधि मंडल मिला ही नहीं, वो बिना मिले चले गए, समय नहीं दिया हमने मांगा, हम बिल्कुल ये बात कहते हैं जो आप कह रही है। हमारा कहना है कि उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की कॉपी जांची जाएगी, आपने जो 5 साल वादे किए थे आपके संकल्प पत्र में था, वो सारे वादे आपसे पूछे जाएंगे। देखिए एग्जाम होगा ना तो सारी पार्टियों को बैठना है, सिर्फ कॉपी बीजेपी की चेक नहीं होगी सर, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की भी होगी सर। 700 लोग ठीक है, एक सेकंड विष्णु जैन साहब बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। जैन साहब ठीक है, पंकज श्रीवास्तव जी अरे धैर्य रखिए सर, एकदम आराम से सर, एक सेकंड। जैन साहब मैं तो अर्पिता जी मैं कांग्रेस के और सपा के प्रवक्ता को सुन रहा था और मुझे हंसी आ रही थी। ये वो लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि भगवान राम में जो है वो काल्पनिक हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि इसको 2019 के चुनाव के बाद डिसाइड किया जाए, समाजवादी पार्टी की सरकार के वो लोग हैं जिन्होंने कारसेप पर गोली चलवाई, जिन्होंने आतंकवादियों को छोड़ा, जिन्होंने मेरी बेटी में उसका कल और वजीफा बांटे, और आज यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से एक सवाल पूछना चाहता हूँ और बहुत संजीदगी से पूछना चाहता हूँ, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कौन लाया और वफ एक्ट 1995 कौन लाया? और अर्पिता जी आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट लाई और उसमें आपने अयोध्या को एग्जेम्प्ट कर दिया, बाकी चीजें इसलिए कहा कि मुकदमे भी नहीं चलेंगे, हमारे सारे संवैधानिक हक छीन लिए, और सर उसके 4 साल बाद, ठीक उसके 4 साल बाद वफ एक्ट 1995 इंट्रोड्यूस करके सेक्शन 40 में उनको पावर दे दी कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को वफ प्रॉपर्टी घोषित कर सकते हैं, ये कौन सा आपने कानून बनाया था? और जब आज यूपी की जनता और इस देश के लोग और मैं एक नागरिक और एक वकील के नाते चाहता हूं कि वो सारे एक्ट खत्म किए जाए, तो एक एक सर बात नहीं समझ आएगी सर, पंकज श्रीवास्तव सवाल जैन साहब आपको एक क्वेश्चन आपसे जवाब दूंगी सर, इससे
चलेगा नहीं मेरी डिबेट में सर, ऐसे शो नहीं सर। विष्णु साहब एक सेकंड, जैन साहब मैं आपको भी रोक रही हूँ, पंकज श्रीवास्तव मैं आपको भी रोक रही हूँ एक सेकंड। अरे पंकज श्रीवास्तव साहब एक सेकंड सर, थोड़ा धैर्य रखिए आराम से सर, आपकी अकेली आवाज ऐसी है जो कम समझ आ रही है क्योंकि सिर्फ आप चीखा चीखी कर रहे हैं सर। एक सेकंड जैन साहब को पूरा मौका दे लीजिए, सवाल ही है सर, तो थोड़ी दाग दिया है, सवाल ही दागा है ना सर, आंसर लूंगी उत्तर लूंगी मैं, रुक जाइए। अरे सर तो मौका मैं दूंगी ना सर, क्या आप बोलते रहेंगे जवाब कैसे दे पाएंगे, एक सेकंड रुक जाइए, सवाल ले लूं फिर जवाब आप ही को देना है, एक सेकंड सर। विष्णु जी आप जल्दी से कंप्लीट कीजिए। अर्पिता जी मेरा कहना यह है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत ये व्यवस्था की गई कि अयोध्या को छोड़ के किसी भी और मुद्दे पे कोई मुकदमा नहीं चल सकता है। जो एल चंद्र कुमार सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 5 जजेस का उसके खिलाफ है, आप कोर्ट में जाने से किसी को नहीं रोक सकते। ये नरसिम्हा राव सरकार गवर्नमेंट, नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ये कानून लाई थी और ठीक उसके 4 साल बाद वफ एक्ट 1995 लाया गया जिसमें सेक्शन 40 में मुस्लिम समाज को पावर दी गई कि किसी भी संपत्ति को वफ संपत्ति घोषित कर सकता है। ताजमहल को वफ संपत्ति घोषित किया जा चुका है, इस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अंडर अपील है। तो आप यहाँ पे सारी बातें कर रहे हैं विकास की और कोरोना की, आप ये बताइए प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट गलत है कि नहीं है, ठीक है, और खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और एक बात और रखना चाहता हूँ, पिलग्रिमेज ठीक है जैन साहब, जैन साहब ठीक है, में आता है और राज्य सरकार को पूरा अधिकार है उसके तहत कानून बनाने, ठीक है, ठीक है जैन साहब। श्रीवास्तव साहब देखिए यहाँ आप जिस कानून की बात कर रहे हैं वो संसद ने बनाया है, एक सरकार है इस समय, अगर वो लगता है कि कानून गलत है तो उससे कहिए उसको हटा दे। सवाल है कि संसद से बनाया गया कानून उसका एक ऐतिहासिक संदर्भ है, इस देश में हजारों जुल्म हो रहे हैं, ये भी चुनावी मुद्दा है, आप चुनावी मुद्दा है बात नहीं समझ में आएगी, जनता दोनों लोग बोलते रहेंगे। और कानून को अगर आपको लगता है मेरे हिसाब से इसलिए सही है कि आप कितने इतिहास के जुल्मों का जवाब लेंगे, किसी भी सभ्य समाज में एक कोई समय होता है, हमारा एक संविधान बना, हमारा देश आजाद हुआ, नया गणतंत्र बना, अगर हम 500, 100, 1000, 2000, 4000 साल पुराना हिसाब लेने लगेंगे तो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता, ये हो ही नहीं सकता। हम लड़ते रहिए, कल इस देश के दलित खड़े होंगे कहेंगे हम पर इतना अत्याचार हुआ है, डॉक्टर अम्बेडकर की सारी किताबें लेकर खड़े हो जाएंगे, कहां कहां भागेंगे आप, आपको पता है कितना अत्याचार हुआ है, ठीक है, बौद्ध खड़े हो जाएंगे कि हमारे सारे स्तूपों को तोड़ा गया इस देश में, आप कहां देंगे हिसाब, क्या सारे बौद्ध कैसे लड़ेंगे, आप देंगे की बात कर रहे हैं, कांग्रेस है जो देश जोड़ने की बात करती है, ठीक है जैन साहब, बिहार में ठीक है श्रीवास्तव साहब, अरे सर रुक जाइए सर, रुक जाइए, अरे एक मिनट चुप हो जाइए सर, एक मिनट शांत हो जाइए, सुनने का संयम रखिए, हमारी बात भी सुन लीजिए सर, रहेंगे ना तो मैं आपके पास कम आऊंगी, मैं मजबूरी में आपके पास कम आना पड़ेगा क्योंकि आप बोलने पर शांत नहीं हो रहे, बाकी गेस्ट कितनी शालीनता के साथ सुन रहे हैं सर, श्रीवास्तव जी के शायद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं पढ़ा राम मंदिर के केस में, और मैं चाहूंगा आज की डिबेट के बाद जाके पढ़े, सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के जजमेंट में कहा है कि इतिहास में जो हुआ है, जो गलत हुआ है, अभी इन्होंने फर्ड यूज किया इतिहास में जो गलत हुआ है, और परासरन साहब ने सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू किया था, अगर इतिहास में जो गलत हुआ है वो आज के देश में इस देश का सॉवरेन उसको खत्म कर सकता है, और जुडिशियरी इज वन ऑफ द सॉवरेन्स, और इस देश के जो लेजिस्लेटर ये भी सॉवरेन फंक्शंस एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो जो लोगों ने इतिहास में गलत किया है वो आज का संप्रभु उसको सही कर सकता है, और इसीलिए चुनाव है, ये चुनाव देखिए सर यही बात है सुधांशु जी, एक बयान मथुरा को लेकर आता है और बवाल देख रहे हैं आप सर इसी पैनल पर देखिए, आज विकास से हटकर हम किस दिशा पर बात कर रहे हैं ये जरा मुद्दा देखिए, हाँ वो बिल्कुल मैं बताता हूँ, जो जिस बात का उल्लेख विष्णु जैन ने किया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 में आया उसमें यह भी कह देते हैं कि 1990 में कश्मीर में जितने मंदिर तोड़े गए सब रिस्टोर किए जाएंगे, उस पर चुप्पी। अभी देखिए पंकज जी क्या बोल गए, बिल्कुल सही बात है, इतिहास में जो हो गया उससे क्यों जोड़ना चाहिए, क्यों आपकी पार्टी के नेता बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील बन के खड़े थे, बोलिए जवाब दीजिए क्यों बाबर से जोड़ने की कोशिश की 500 साल पहले के आक्रमणकारी से, और फालतू फंड का झूठा इतिहास बताने लगे कि यह हुआ ऐसा हुआ, अरे एक बौद्ध स्तूप बताइए जो तोड़ा गया हो, और यह बताइए अगर आप करें दलितों के साथ यह हुआ था तो महाराजा बिजली पासी
महाराजा सुहेल देव, वीरांगना उदा देवी, वीरांगना झलकारी बाई, संत दादू, संत नामदेव, संत कबीर, संत रैदास कैसे हुए? इसीलिए मैं कह रहा हूं, चाहे काशी का विषय हो, मथुरा का विषय हो, ये जो पूरा बाएं हाथ से लिखा गया इतिहास है ना, इसी ने देश के स्वाभिमान को तोड़ने की बात कही। और एक ही लाइन कहकर पिताजी समाप्त करूंगा कि हटा दो ये इतिहास झूठे तुम्हारे, यहां जर्रे जर्रे पे सच है लिखा रे, जो कोई किताबें न बानी कहेगी तो ये माटी सभी की कहानी कहेगी। सुधांशु जी, एक सवाल याद होगा शुरुआत में ही मैंने आपसे पूछा था, आर्य श्रीवास्तव साहब, श्रीवास्तव साहब एक सेकंड, मैंने शुरुआत में ही आपसे एक सवाल पूछा था, मैं बार बार उसी सवाल पर आना चाह रही हूं सर। महंगाई पर बात नहीं करेंगे, चुनाव पर महंगाई का मुद्दा नहीं होगा, मथुरा मुद्दा जोड़ दिया गया है। मेरा सवाल बार बार यही है, आप क्लियर करिए आज स्टैंड यहां बैठकर कि विकास पे आप क्या क्या लेकर उतर रहे हैं। महंगाई यानी आज जो पेट्रोल डीजल के दाम चल रहे हैं सर, गैस सिलेंडर के जो दाम चल रहे हैं सर, इसी के आधार पर हम ये मान लें कि मथुरा में मंदिर बनने वाला है और हम महंगाई भूल जाएं, हम पेट्रोल डीजल भूल जाएं, हम और जो हमारे रोजमर्रा की जरूरतें की चीजें हैं सर आम लोगों के लिए वो हम भूल जाएं और हम ये सोचें कि मथुरा में मंदिर बनना चाहिए सर। अर्पिता जी आपने बहुत सही सवाल किया। अर्पिता जी आप अपना मोबाइल खोलिए, जनवरी 2041 पे एलपीजी सिलेंडर का रेट देखिए, खोलिए अभी खोलिए। अगर आपके पास खोलने का वक्त नहीं, मैं कहता हूं दर्शक खोल के देख ले, 1241 रुपए का सिलेंडर था। आज इतनी महंगाई बढ़ने के बाद जब भारत नहीं अमेरिका ने भी अपना पहली बार इतिहास में रिजर्व खोला है, पेट्रोलियम रिजर्व खोला है, क्योंकि दुनिया में ओपेक देशों के चलते हुए पेट्रोलियम के कीमतों की एक गहरी क्राइसिस आई है, तब भी हम जनवरी 2014 से कम है। इसीलिए मैं कह रहा हूं महंगाई दर कितनी थी, कोई जाके चेक करे, जब इनकी सरकार आई थी गई थी हमारी सरकार आई थी महंगाई दर कितनी थी, आज भी 4 point कुछ है, इनकी सरकार के समय में 8.5% थी। विकास की दर कितनी थी, कोरोना के काल के बाद भी हमारी ज्यादा है। और मैं तो याद दिलाना चाहता हूं जिस जमाने की ये बात करते हैं ना, बाबरी मस्जिद, और उस समय पता है आपको महंगाई की दर क्या थी, 13.9%। ठीक सर, ठीक है, बेरोजगारी अपरंपार दिया उस जमाने में, पेट्रोल और डीजल सर कितना था, $1 billion से कम था, 750 billion सरकार ने, इसीलिए मैंने कहा ना पेट्रोल डीजल का दाम, और आज पेट्रोल डीजल का दाम क्या बोलिए तो मैं मोबाइल पे खोलूं क्या सर। मैंने आपसे कहा एलपीजी सिलेंडर का रेट देखिए, 1241 रुपए एलपीजी सिलेंडर, मैंने आपसे कहा पेट्रोल डीजल, सिर्फ एलपीजी की बात होगी या पेट्रोल डीजल की बात करेंगे, उसकी तुलना क्यों नहीं कर रहे सर। में चलिए अर्पिता जी आप एक साल बताइए जिसमें अमेरिका ने अपना फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन रिजर्व खोला हो, बोलिए दुनिया का एक देश बताइए जब रूस और अमेरिका दोनों ने अपना ऑयल रिजर्व खोला हो, चुनौती देता हूं आपको, बताइए ईयर बताइए सर। पेट्रोल डीजल उसकी तुलना नहीं करेंगे, केवल एलपीजी की तुलना करेंगे, इसलिए मैं कहता हूं यथा पेट्रोल डीजल कह रहा हूं ना, दुनिया में पेट्रोलियम की सबसे बड़ी क्राइसिस है, मैं आपसे कह रहा हूं चुनौती देके वो वर्ष बताइए जब अमेरिका ने अपना पेट्रोल रिजर्व खोला हो, बताइए। पंकज श्रीवास्तव, भारत में भी खोला है, हमने भी खोला है, अरे भाई जब इसका पेट्रोल रिजर्व खोला है, इतनी बड़ी क्राइसिस है दुनिया में, इसके बावजूद हमारी वो रेट नहीं है जो उस जमाने में थी, बोलिए क्रूड ऑयल जब दुनिया में सस्ता हुआ तो अरे भाई आज मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दो भाई, ये सच्चाई है, एलपीजी का रेट आज से ज्यादा था जनवरी 2014। आप देखिए एक उपभोक्ता जो है, एक नागरिक जो है, उसको किस तरह से मिल रहा है सामान, किस रेट पे मिल रहा है, उसका कंसर्न इससे है, असली चीज ये। अच्छा चलिए मैं बताता हूं, उसका भी उत्तर देता हूं, रुकिए अर्पिता जी, पंकज जी को भी जवाब देता हूं, 200 रुपए से ज्यादा, अरे भाई वो भी जवाब दे रहा हूं, अरे मैं बात देखिए बात ये है ना, सरसों का तेल देते हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या होगा और क्या हो चुका है, इन सब से सर लेना देना है नहीं, लेना देना तो इस चीज से है कि आज जब इंसान पेट्रोल पंप में पहुंचता है तो पेट्रोल उसे कितने दाम में मिल रहा है, डीजल उसे किस रेट में मिल रहा है, सिलेंडर के लिए जब पहुंच रहा है तो सिलेंडर उसको किस दाम में मिल रहा है, आज बुनियादी सवाल ये है जिस पर सीधी बात ना करके बात घुमा दी जाती है। आज जंगल में हमने सवाल पूछा था कि क्या यूपी के चुनाव में मथुरा कृष्ण जन्मभूमि विवाद का मुद्दा उठना सही है, जवाब में 80% लोगों ने इसे सही माना, जबकि सिर्फ 20% लोगों ने कहा कि नहीं ये गलत है, इसे चुनावी मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। दंगल में आज के लिए इतना ही, आप देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।